नमस्कार साथियों, मैं पुष्पा अग्रवाल एक बार फिर आपके बीच हूँ अपनी एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानियां जिनमें हम अपने को ढूंढ पाते हैं, उनके साथ हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कभी कभी दो चार आंसू भी छलका देते हैं। आज की मेरी कहानी बहुत हल्की फुल्की सी है, जिसका शीर्षक है खुशियां जो आसपास ही हैं। कहानी इस तरह से है, पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, कभी हल्का कोहरा भी, मौसम भी सर्दियों का था। आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी ने मौसम का मिजाज और रुहाना कर दिया था। अब बचपन के वो दिन तो उड़ ही गए थे, जब बारिश के संग आसमान से गिरते ओले हम कटर कटर खाया करते थे। चाहे माँ कितना ही कहती रहें कि ओले मत खाओ, ठंड लग जाएगी, गला खराब हो जाएगा, सुना करो बात, मगर उस समय उनकी बातें सुनी ही कब हमने, और सचमुच होता भी नहीं था कुछ। माँ खामखा ही परेशान होती थी, किंतु आज जब उम्र 50 के पार हो गई तो ये बारिश बस पकौड़ियों की याद दिलाती है। कमरे से ही जोर से आवाज लगाई थी विपिन ने, रूपा अगर टाइम हो तो जरा आज मिक्स पकौड़ियां बना लो, और सुनो गोभी की जरूर बनाना, उसे जब तुम कुछ कच्चा सेक कर हथेली से दबाकर दोबारा सेकती हो ना, और उस पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देती हो तो सच मानो खाने का मजा बहुत बढ़ जाता है। और साथ में जो तुम धनिया पुदीने की कच्चा आम डालकर चटनी बनाती हो, उसका तो जवाब ही क्या, मेरे सारे दोस्त उसको चाट चाट कर खाते हैं। धनिया पुदीना है ना, अगर धनिया पुदीना कच्चा आम ना हो तो मुझे बता दो, मैं जाकर ले आऊंगा। असल में बात यह है रूपा, आज मैंने सुरेश और अमित को बुला लिया है, आज हमारा ताश खेलने का प्रोग्राम है, तुम नाराज मत होना, तुमसे बिना पूछे ही मैंने उन्हें बुला लिया। वो बाहर जो बारिश हो रही थी ना, उसे देखकर मेरा मन ललचा गया। किंतु हाँ, चिंता मत करो, हम लंच तुमसे नहीं बनवाएंगे, वो संगीता भाभी खिलाएंगी, तुमको भी बुलाया है उन्होंने, मैंने तुमसे बिना पूछे ही उन्हें हाँ कह दिया था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? वो जब मैं तुमसे पूछने आया था ना, तो तुम पूजा कर रही थी, तो मैंने कह दिया कि हाँ रूपा भी आएगी, क्योंकि पूजा में तुम्हें डिस्टर्ब करना मुझे ठीक नहीं लगा। जब रूपा की तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो विपिन को लगा, उन्होंने पूछा, तुम खुश तो हो ना, देखो वो कल जो तुम मुझे अपनी नई साड़ी दिखा रही थी ना, वही पहन लेना, वो गुलाबी रंग तुम पर बहुत फबता है। रूपा मन ही मन सोच रही थी कि आज दोस्तों को बुलाया है ना, इसलिए साहबजादे बहुत खुश हैं। इतनी देर में विपिन ने फिर कहा, देखो अगर मेरी कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना। ये कहकर विपिन अखबार पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी, देखा तो दो नहीं 5 दोस्त चले आ रहे हैं। उनको देखकर विपिन ने कहा, आ जाओ यारो, तुम्हें तो 2 को ही मैंने बुलाया था, ये तुम 3 और कहां से आ टपके। इतनी देर में रूपा रसोई से बाहर आई और बोली, भाई साहब आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, इनको मजाक करने की आदत है, आप आइए बैठिए। दोस्तों ने कहा, अरे भाभी हम क्या इसे जानते नहीं है, अपने दोस्त को अपने यार को, आप चिंता मत करिए। थोड़ी देर बाद ही ताश का रंग जमने लगा और रूपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी गरम गरम पकौड़ियां परोसने की, और उसके साथ ही अदरक और इलायची की खुशबू से सराबोर गरम गरम चाय की, गरम चाय की चुस्कियों के साथ पकौड़ियों का मजा उठाते हुए कम से कम 3 घंटे ताश की महफिल जमी। जब सारे दोस्त चले गए तो विपिन ने रूपा के दोनों हाथों को सहलाते हुए कहा, रूपा तुम बहुत अच्छी हो, आई एम प्राउड ऑफ यू।
सुनकर रूपा विपिन के और करीब सिमट आई थी। ये थी मेरी कहानी, खुशियां जो आसपास ही हैं। दोस्तों, खुशियां ना बाजार में बिकती हैं, ना उधार में मिलती हैं, ना इन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है और ना ही दिया लेकर ढूंढा जाता है। ये तो बस हमारे आसपास बिखरी होती हैं। बस इनके साथ हंसने का, मौज मस्ती मनाने का एक नजरिया चाहिए, सिर्फ एक नजरिया। इसीलिए तो कहीं मजदूर पत्थर तोड़ते समय भी गुनगुना लेता है, तो कहीं किसान खेत में बीज बोते वक्त भी कजरी गा लेता है, तो कहीं कोई हवाई यात्रा में भी गुमसुम बैठा रहता है। आप तो ऐसा नहीं करते ना? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।